हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, अभी हो रही है दोपहर और आज तो गाइस काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और आप सोच रहे हैं कि मैं इतने दिनों बाद व्लॉगिंग कर रहा हूँ अब, तो इसलिए गाइस मैं बता दूँ आपको को कुछ बात हो रही थी, तो इसलिए काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है और हमारा हाई स्कूल का रिजल्ट भी आ चुका है। तो गाइस मैं बता दूँ कि मेरे कितने परसेंट नंबर आए हैं हाई स्कूल में। तो गाइस मेरे आए हैं 600 में से 524 नंबर आए हैं, जो परसेंटेज में होंगे 87.6%। तो बस 88% ही मान लो, काफ़ी बढ़िया नंबर आए हैं। सबसे ज़्यादा नंबर मेरे आए हैं गाँव में और किसी नहीं आए अभी तक। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा खुशी भी हो रही थी, पर क्या करें, वीडियो बना नहीं पाए इस दिन और आज बना रहे हैं। मैं तो यहाँ पर बैठा हूँ और जो हम भुंटे छील रहे हैं यहाँ पर, देखो काफ़ी ज़्यादा तेज़ छील रहे हैं। और यहाँ पर मेरे मामा जी का लड़का भी आया हुआ है जिसका नाम है ऋतुराज पुष्पराज। आया शर्मा रहा गाइस ये, और देखो ये भुंटे छील रहा है मेरा, ये ऋतुराज। हम कल दवाई लेने गए थी तो वहाँ डॉक्टर नहीं गए थी, जो हॉस्पिटल में डॉक्टर थी तो इसने अपना नाम बताया ऋतुराज, तो वो कह रहे थे कि पुष्पराज। वहाँ काफ़ी ज़्यादा हंसी आई। और गाइस हमारे घर में आज बिस्कुट पड़ा आ गया था और यार हमने काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी पाइप में निकालने की, पर वो निकल नहीं पाया, पता नहीं क्यों। हमने गर्म पानी वगैरह रखा था, उसका पैर जल गया और वो मर गया, पाइप के अंदर मरा पड़ा। अब पता नहीं कैसा निकलेगा वो, पता नहीं मरा है जिंदा है, अब देखेंगे गाइस कुछ दिनों बाद। मतलब नली से प्रेशर मार कर देखेंगे पाइप के अंदर कि निकलेगा नहीं निकलेगा। तो हम तो ना उस साइड से मारेंगे, दूसरी साइड से मारेंगे ना। तो गाइस बहुत देर से हम यहीं बैठे हैं पेड़ के नीचे, देख रहे हैं कि आएगा नहीं आएगा। तो अभी इतनी देर होगी काफ़ी देर वेट करने के बाद, अभी तक तो आया नहीं है इसका कपड़ा। और यार आज तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो सो हमारा प्लान बनना है कि पेप्सी और समोसे लाएं, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ऊपर यहाँ बादल नहीं है बिल्कुल भी। तो आज गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा, देखो देखो सब गर्मी गर्मी हो रही है, पसीने पसीने में पड़े हैं। चलो तो पहले अड्डे पर से लेकर आते हैं। समोसे आ चुके हैं, ये थम्सअप की पैप से देखो एक गिलास भरी हुई, और यहाँ पर समोसे हैं, सब खा रहे हैं हम सब। तो पहले समोसे खाते हैं। तो भाई यार समोसे भी हमने खा लिए, काफ़ी मज़ा आया। और हमारे गाँव के समोसे थे दुर्गा दास के। और गाइस तू बता तुझे क्या लगे यहाँ समोसे, समोसे में अच्छे। तो गाइस अब कटवाते हैं कुट्टी, ये कुट्टी उतार रहे हैं पापा और इस साइड ये पहले कुट्टी कटवाते हैं। गाइस यार कुट्टी कट रही है और हम यहाँ पर, मैं मकई जो गिल्ली होती है ना गिनना हूँ, ये पीछे मकई गड्ढे दे रही है, ढेर लग रहा पूरा। और देखो ये पीछे झूल रहा है झूले पर, आप देख सकते हो। अब मैं खाड़ इस साइड रखवा रहा हूँ माँ की, और तो गाइस अभी खेत पे चलेंगे और आम उम खाएंगे वहाँ खेत पे। तो गाइस अभी फ़िलहाल का सीन ये है कि मेरे पापा नंगली भी जा सकते हैं अपनी दवाई लेने के लिए, क्योंकि मेरे टांगों में एलर्जी हो रही है, तो उसकी दवाई लेने जाएंगे। पर अभी पता नहीं, क्योंकि हम खेत पे जा सकते हैं और दवाई लेने जा सकते हैं। तो गाइस देखते हैं क्या सीन बनता है, क्या सीन होता है कि दवाई लेने जाएंगे या मतलब कि खेत पे जाएंगे। खेत पर आएंगे तो आम खा खाऊंगा, और चाउमीन भी है, नाशपाती भी है और अमरूद भी है। हमारे खेत पर हर समय कुछ ना कुछ खाने के लिए हर समय हमेशा रहता है, क्यों माँ है मैं हाँ। तो गाइस हर समय कुछ ना कुछ जरूर रहता है हमारे खेत पर। तो गाइस अभी पहले ढोर नवा दें, क्योंकि लाइट आ रही है, फिर लाइट भग जाएगी और गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो पहले ढोर नवाते हैं, है ना। तो गाइस यार फिलहाल मैं भी जा रहा हूँ डेयरी पर दूध का पेमेंट करने के लिए, साइकिल से जा रहा हूँ। देखो गाइस और देखते हैं क्या सीन है, आज पेमेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम घर भी लेकर आएंगे। यार बहुत दिन हो गए, एक महीना हो गया दे नहीं रहा पैसे, पता नहीं क्यों, उसकी डेयरी ठप हो गई ना इसलिए। तो देखते हैं आज क्या सीन रहता है। तो गाइस यार हम घर से, क्योंकि पेमेंट तो होनी है डेयरी का आज और बैंक बंद थी, तो मैं आ चुका हूँ खेत पर। मेरे बाग में पीछे देख सकते हो आम पक रहे हैं, तो बिकट करके खूब टपाटप हो रही है। और देखो नहाना आया, मैं तो भाई एक रहूँगा ये अकेला ही, अकेला ही नहाएगा पुलिया में। और देखो आम यार, पर यार कच्चे आम है, पका आम अपने आप गिरता फिर पे नीचे को डाल डाल डाल, अभी तक तो कोई गिरा नहीं यार। वैसे गिरता तो इस पेड़ पर गिरता है ज़्यादातर ये पेड़। और देखो नाशपातियाँ लग रही हैं यार, कितनी नाशपाती लग रही है देखो मेरे ऊपर, आपको दिख रही होगी ये लग रही दो यारी। तो भाई यार अभी देखो नहाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है, और
ये रही पुलिया, इसमें आएगा काफ़ी ज़्यादा गहरी भी है, ये नहाएगा। इतने में एक आध आदमी देखता हूँ, कोई मिलती है तो खाने के लिए, और लगता है बाबा नहाएंगे। देखो दोनों नहा रहे हैं। तो गाइस मैं पहले आमी देख लेता हूँ, फिर दिखाऊंगा उसे नहाते हुए। तो गाइस यार नहा रहा बाबा के उस साइड, और हम यहाँ पर हैं दोनों। तो देखो कूदेगा, कूद कूदेगा, ज़्यादा वैसा गहरा पानी नहीं है, छोटी सी पुलिया, करीब इसमें डेढ़ टैंक का पानी आता है पुलिया में, गहरी तो काफ़ी वैसे बड़े तैर लेता है। और मैं आपको दिखाता हूँ जामुन है, अभी जामुन हम तोड़ने जाएंगे, डंकी लगाते हैं पहले उस साइड से, दूसरी साइड से फिर चलेंगे पेड़ पर जामुन के। भाई यार मैंने डंकी ले ली दुखने वाली, इतनी बड़ी डंकी है पूरी, यहाँ से यहाँ तक पूरी नीचे तक देखो। और अब चलेंगे हम जामुन तोड़ने, लगता है मम्मी भी आ रही हैं, और ये गोता मान गया, इतने चलता हूँ पेड़ दिखाता हूँ इतने में आपको। तो भाई यार धूप भी ज़्यादा कैडी हो रही है, और मैं दिखा देता हूँ आपको जामुने कौन सी हैं। तो आपको देखो ये पेड़ दिख जाएंगे दो, तो यही पेड़ हैं, और जो जामुन लग रही है उन पर पहले तो आपको कम दिख रही होगी, फिर मैं कहीं और से दिखाता हूँ। ले टंकी पकड़िए, अभी दिखाता हूँ। हाँ हाँ देखो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा दिखी होगी। तो चलो गाइस पहले तोड़ देते हैं, जामुन तुम्हारे हाथ में है, पसीने पूरे आ गए। देखो कम से कम 250 ग्राम जामुन आता ही है, मैंने 3 लिए हैं क्योंकि मैं गले में अटक जाती हैं, और काफ़ी ऊंचे पे थी तो इसलिए उन्होंने तोड़ी नहीं। अब पहले ही निकाल लेते हैं हम अपनी। तो गाइस यार अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुकी है, हमारे साथ पॉपर्ट हो चुका है, और पॉपर्टी वहाँ के बाग वाले जो हैं इनकी मंडिया ढह चुकी है। देखो पीछे मैं पूरा सीन दिखाता हूँ, ये पूरी मंडिया गिर गई, देखो यार अब क्या होगा। और इस मंडिया में ये गिरी है ना, ये देखो इसने गिरी है, इतना ताकतवर बनना, ये ना नहाने के बाद नेकर बदलता था और नेकर बदलने में इसका बैलेंस बिगड़ गया, और जैसे इतने मंडिया पकड़ी और वो मंडिया सड़ सड़क गई, अरे मंडिया गिर गई। तो भाई अभी काफ़ी 1 घंटा हो गया कम से कम, और इस मंडिया की यार हालत ख़राब है, और हमें पसीना आ चुके हैं, बाबा आ रहे हैं, देखते हैं क्या सीन है, फिर चलेंगे घर। तो भाई यार मैंने फाइनली 5 आमी खा ली आज, और आज मैं 5 आमी खा ली, मतलब बाग में इसमें 1 घंटे में 5 आमी खा ली मैंने, और इसने ये देखो खा रहा भी आमी, और गाइस मंडिया भी जुड़ चुकी है, मतलब सीधी हो गई, और भाई बहुत ज़्यादा पेट थक गया। तो गाइस अब जाएंगे हम अपने घर, और कल को गाइस बड़ा बढ़िया व्लॉग आएगा। तो गाइस अगर पसंद आए व्लॉग तो लाइक करना, और चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही मज़ेदार व्लॉग देखने के लिए। तो गाइस फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।